ये सफर मैंने चुना था या किसी अदृश्य ने मुझ पर थोपा था, ये सवाल मुझे अक्सर उलझाता है। खैर, तन्हा सफर की बोरियत थी और सफर काटना ये मेरी मजबूरी थी। खिड़की से पीछे छूटते न जाने क्या कुछ देखा था, दौड़ते भागते अलहड़ बालक, सर पर गठरी उठाए घर को लौटती स्त्रियां, पसीने से तरबतर खेतों से लौटते किसान, कहीं हरे चादर और फूल माला से सुसज्जित मेरे जैसे किसी यात्री के अतीत का इश्तहार। मैंने मुस्कुराकर सहयात्रियों को देखा, कोई हमउम्र, कोई प्रौढ़, तो कोई लावण्या, किसी ने नजरें फेर ली तो कोई पलट कर मुस्कुराया। बातचीत होती रही और सफर यूं ही कटता रहा। जाने अनजाने मुझसे एक बड़ी भूल हो गई। मैं भूल गया कि ये हम सफर सफर को आसान बनाने मिले थे और मैं नादा उनसे मोहब्बत कर बैठा। सफर में हूं लेकिन भटका हुआ हूं। अब चिंता मुझे सफर की नहीं है, सफर का इख्तिताम किसका पहले होगा, बस इस बात की फिक्र है। विकास भट्टाचार्य जी की ये कविता आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें इसकी सख्त जरूरत है। शुक्रिया।